लेकिन भारतीय फौज और वो जो एक दरिंदा, एक वहशी जिसको इंसान कहना है, इंसानियत के साथ मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म होगा, वो जो घटिया इंसान है, घटिया घटिया, और इस शख्स का नाम है फिजा खलीफा। लेकिन हैरत की बात, और ये हीरा मंडी से भागी हुई है, इसके पास में एक फर्जी डॉक्टर की डिग्री है, तो अपने नाम के आगे डॉक्टर फिजा खलीफा लगा दी है। मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान, और कुछ भाई तो यहाँ तक भी दावा करते हैं कि मियां खलीफा की बहन फिजा खलीफा। और ये बुजदिल शख्स है, बहादुर शख्स, बंदूक के जोर पर अपने मुखालिफ को दबाता नहीं है। जो बंदूक के जोर पर किसी को दबाने की कोशिश करता है वो डरपोक हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। टैंक चलने के काबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल, इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा बात नहीं है। जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजीत डोवल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज़ को बात करने, याद है जी, कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी, 2021? यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है, फिर भी तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया, तुम नाकाम हो गए, तुम्हारी स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं, नंगापन आ रहा है, जो आज से 100 सदी पिछले था, घास खाएं और गुजारा करें। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, अच्छा, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। कौन से मुसलमान है ये? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बात कर लेते हैं मुद्दे की, तो करना, श्रीनगर में भी चलने लग गई है इलेक्ट्रिक ट्रेन। गाइस, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी वहाँ पर चला दी गई है कश्मीरियों के लिए। ये दावा करने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई ने पब्लिक में जाके इंटरव्यू भी ले लिया। कैसे? मैं ये बता दूं, ये खबर आज की नहीं है, करीब 1 साल होने को आ गया, 29 सितंबर को ही हो गया था। और हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रेनें पहली बार नहीं चल रही है, हिंदुस्तान में बहुत समय से इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान में तो ट्रेनें आज भी कोयले पे चल रही है, भाप पे चल रही है, इलेक्ट्रिक तो इनके घर में नहीं आ रही, तो ट्रेनों को कहां से देंगे ये। और सबसे कमाल की बात है, पूरी दुनिया से, खासतौर से भारतीयों से इतना जलील होने के बाद में कुछ पाकिस्तानियों में अकल आ गई है। तो इस वीडियो को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, मजा ना आए तो सारे पैसे वापस। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। सर, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात करते हुए, अगर मैं पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम के ऊपर आपकी थोड़ी नज़र दौड़ाना चाहूँ, तो पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम अगर दुनिया के किसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करें तो किसके साथ हो सकती है मौजूदा हालात को? मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस निज़ाम का अपने अकेले कंपैरिजन आप बांग्लादेश से नहीं कर सकते, श्रीलंका से नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या? वजह आपके सामने, हमारा निज़ाम को इतना अपना हाईफाई नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने अगर अपने अपना कहने के कम व 10 साल पहले मैंने सफर किया था, जब ये नई इस्लामाबाद टू लाहौर इन्होंने जनाब ये करके ट्रेन चलाई थी, 10 साल हो गया मुझे। अगर निज़ाम अच्छा हो तो मैं अपनी कन्वेंस का भी ना इस्तेमाल करूं आउट ऑफ सिटी के लिए, मैं अपनी ही उस पे अपने कहने के ट्रेन यूज़ करूं मैं। निज़ाम अच्छे नहीं है, सिलसिले अच्छे नहीं है, आपको अब मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी बताएं कितनी मिलती है वहाँ पर, वो इंडिया देख लें, उनकी ट्रेन भले मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। जी जी जी,
जी, और हम वो क्या है हमारा, कितना फर्क है उनका, एक बॉर्डर का फर्क है, ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है। सर अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है सर, पूरे इंडिया में तो चल तो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो उन्होंने बड़े अरसा पहले चला दी भजन, उन्होंने कल परसों ही हफ्ता हुआ है उन्होंने लॉन्च की है मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर, और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये बंदा कभी मदरसे में नहीं गया होगा। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए, हम लोग अभी भी जनाबेली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं, भगदड़ मच रही है, आटा नहीं सीधा जन्नों में पहुंच रहे हैं, आदमी घर से आटा लेने निकलता है और सीधा बेहतर हुरो की टिकट कट जाती है उसकी। 30 से 32 लोग अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ आटे की मारामारी में ही मर चुके हैं, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं और आप दोनों मिलकर इंडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाते फिरे सारा दिन रात, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। फर्क किससे पड़ेगा, मैं और आप काम करेंगे तब पड़ेगा। एग्जैक्टली सबसे पहले हम लोगों को चेंज होना होगा, जब हम लोग चेंज होंगे ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चीरू होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, क्या एक पुलिस वाले को आप ले लें, हम लोग खुद अपना गलत है, अगर हम लोग एक पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो एक दिन आप पे रोब झाड़ेगा, दो दिन झाड़ेगा, तीसरे दिन जब आप उससे कंप्लेंट करेंगे ऑटोमेटिकली आप मतलब के वो सिलसिला अपना पीछे आएगा ना, ये खुद खराब कर रहे हैं, हम खुद खराब हैं, तो इसलिए हम पे हुक्मरान भी ऐसे ठीक है मुसल्लत हुए हैं। आज ये देख लें क्या हालत हुई हुई है, ये शहबाज शरीफ देख लें, ठीक है, ये इमरान खान की जनाब अली अपना देख लें, कैबिनेट देख लें आप, मैं इमरान खान को बुरा नहीं कहता, वो बंदा अपना जनाब गुड आदमी है, कैबिनेट देख लें उसकी, ठीक है, ये शहबाज शरीफ, ये सब चले हुए कारतूस हैं, ये आज फिर हम पे मुसल्लत हो रहे हैं, क्या था सर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एज ए इंडिविजुअली तौर पर हम ये समझते कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये करना वो करना, सर हम हर चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हमें वो बड़ा बताते हुए हमें शर्म क्यों आती है? सर शर्म तो ऑब्वियसली आएगी ना, जब आप एक दुनिया में किसी भी खत्ते में जाके डील कर रहे होते हैं और वहाँ पर बंदे से कह रहे होते हैं भाई मुझे 30% दे, और अपनी उस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप कहते हैं कोई नहीं यार थकी बना दे, मेरा 30 मेरे जेब में दे दे, ठीक है। इंडिया का बंदा भी डील लगाता है, वो भी करता है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कहता है भाई मैं चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपने मुल्क के साथ, 30% मैं लूँगा ज़रूर तुझसे, लेकिन मैं चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये है डिफरेंस। हमारे यहाँ पर मुसलमान हम लोग हैं, हमारा यहाँ पर ईसाई जो भाई है यहाँ पर, ठीक है, वो एहतियात करेगा कि मुसलमानों के रोजे चल रहे हैं, जबकि मुसलमान यहाँ खड़े हुए उस्ताद जी अपना वो पेप्सियाँ चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ये डिफरेंस है सर, एहसास मर गया हम पे, एहसास हो तो मसला ही नहीं है, गैर मुस्लिम फिर आपका एहसास कर लेता है। सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों की जरूरत, जो कि जहालत से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान में इन लोगों का परसेंटेज बहुत कम है, और इनमें से भी ज़्यादातर तो आउट ऑफ पाकिस्तान निकल चुके हैं। अब यहाँ तक आ गए हो ना तो बिना शेयर किए हुए जाना ही मत, और पाकिस्तानी को जलाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मस्त पहलाई कर जाइए पाकिस्तानियों की, ताकि पाकिस्तानी पढ़े ना तो उसकी आत्मा से ना हे राम हे राम निकले। और लाइक टारगेट रखते हैं 12,000 का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।